तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। गदर 2 जैसी ऐतिहासिक मूवी आज तक ना आई थी और ना ही आएगी, गारंटी। जहाँ दोस्तों आज मूवी को रिलीज हुए पूरे 12 दिन कंप्लीट हो जाएंगे। जब भी ऐसा लगता है कि चलो इतनी कमाई तो कर ली, अब शायद नेक्स्ट डे से थोड़ा आंकड़ा गिर जाएगा, क्योंकि हो गया ना, इतनी तो उम्मीद ही नहीं थी कि इतनी ज़्यादा कमाई कर लेगी। लेकिन हर दिन अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ करके रिकॉर्ड ब्रेक कर रही है, और कोई छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ रही है। अपने पाँचवें दिन के कलेक्शन से KGF, बाहुबली, पठान, RRR जैसी फिल्मों को खदेड़ दिया था हिंदी कलेक्शन के मामले में। इसी के साथ बॉलीवुड की तो नंबर वन फिल्म यह बन ही चुकी है कम समय में मोटी कमाई करने वाली, जो पठान के हिंदी लाइफ टाइम कलेक्शन रिकॉर्ड को भी खदेड़ने तक की ताकत रख रही है एक बार के लिए। आज 12वें दिन में जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग डे स्टार्ट किया है, भाई अमेजिंग। तो सबसे पहले आज जानेंगे मूवी ने पहले 3 दिन में कितनी कमाई करी थी, मूवी की ग्रोथ कैसी चल रही है, लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में ये कितना कलेक्शन कर सकती है गदर 2, सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एंड रिकॉर्ड्स की बात करने से पहले आपको बता दूं तो गदर 2 गदर एक प्रेम कथा का सिक्वल है, जिसे 2001 में रिलीज कराया गया था। और इसके लीड में पहली बार सनी पाजी तारा सिंह के रोल में दिखे थे, और एक्शन के मामले में बाप बनकर उभरी थी ये मूवी एट दैट टाइम। तारा सिंह को वही प्यार फिर से मिल रहा है, और मूवी में सनी पाजी ने गजब का एक्शन भी करा है। जो भी थिएटर से बाहर आ रहा है अपनी पुरानी यादें ताजा करके आ रहे हैं। जी दोस्तों, गदर 2 ने बॉलीवुड इतिहास में जो हिस्ट्री क्रिएट करी, जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग कमाई करी आफ्टर पठान इन 2023, अमेजिंग। इस साल की दूसरी सबसे बड़ी हाईएस्ट ग्रॉसर मूवी उभरकर सामने आ रही है इस टाइम तक, और ऐसा ही चलता रहा, रोज मोटी कमाई करती रही, अपने खाते में रखती रही, तो ये पठान को भी खदेड़ सकती है और इस साल की नंबर वन ग्रॉसर मूवी भी बन सकती है। दोस्तों ये मूवी सिर्फ मूवी नहीं रह गई है, एक इमोशन बनकर उभर रही है पूरे भारत में, जिसे जनता 2001 में छोड़कर आ गई थी, और अब वो सब दोबारा रिकॉल हो रहा है। वाकई में दोस्तों गदर मूवी नहीं है, एक इमोशन है। इसी के साथ दोस्तों, जब गदर एक प्रेम कथा आई थी, इस फिल्म ने फिल्म इंडस्ट्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, और उस टाइम भी एक सॉलिड ओपोनेंट के साथ इस मूवी को क्लैश करना पड़ा था, और आमिर खान की लगान फिल्म के साथ ओपन करा गया था। लोग तब भी इस फिल्म को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, लेकिन आफ्टर सक्सेस ऑफ गदर फर्स्ट वी ऑल नो द रिजल्ट, सेम क्लैशेस अभी भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इस बार लोगों के दिलों में ऑलरेडी पॉजिटिविटी थी गदर 2 को लेकर, इसलिए जितनी भी फिल्म साथ में रिलीज हुई, चाहे वो ONG 2 हो या फिर जेलर हो या फिर चिरंजीवी की भोला शंकर ही क्यों ना हो, सबको खदेड़ कर हर रोज ये फिल्म एक मोटी कमाई अपने खाते में रखने में सफल हुई। साथ में पठान जैसी इस साल की जायंट मूवी को भी खदेड़ रही है धीरे धीरे। इसी के साथ दोस्तों, मूवी को अनिल शर्मा के डायरेक्शन में लगभग 100 करोड़ के टोटल खर्चे पर बनाया गया था, और मूवी को 4000 स्क्रीन दी गई थी अपने पहले दिन, जिसने अपने पहले दिन ही 40 करोड़ से खाता खोला था, और पहले 3 दिन में ही इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 135 करोड़ के आंकड़े को टच कर लिया था। वहीं अपने 4थे दिन में भी 40 करोड़, 5वें दिन में इंडिपेंडेंस डे का हॉलीडे का फुल फायदा उठाकर ऐतिहासिक कमाई अपने खाते में रखी, और बॉलीवुड की नंबर वन मूवी उभर कर आई। 55 करोड़ का कलेक्शन किया था अपने 5वें दिन में, और पहले 5 दिन का नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 234 करोड़ के आंकड़े को टच करा था, पूरी दुनिया से 300 करोड़ के आंकड़े को टच करा था, और इसी के साथ बहुत ही कम समय में फास्टेस्ट ग्रॉसर मूवी बनकर उभरी थी गदर 2 इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में, साथ ही वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में भी। इसी के साथ 6थे दिन में 32 करोड़ का आंकड़ा अपने नाम किया, 7वें दिन में 23 करोड़ 80 लाख की कमाई खाते में रखी। ऐसे में पहले 7 दिन यानी पहले हफ्ते में टोटल कमाई 284 करोड़ के आसपास हो चुका था इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस से, और पहले हफ्ते यानी पहले 7 दिन का ऑल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 342 करोड़ के आंकड़े को टच कर गया था। पूरी दुनिया से यह आंकड़ा पहले 7 दिन में 370 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर चुका था। तो पहले वीक गदर 2 का जबरदस्त रहा, और लेकिन दूसरे हफ्ते की भी शुरुआत कोई हल्की फुल्की नहीं करी, अमेजिंग करी, बिल्कुल बाउंस बैक के साथ। 8वें दिन में 18 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस किया, 9वें दिन में 31 करोड़ 20 लाख के आंकड़े को अपने नाम किया। इसी के साथ दूसरे हफ्ते की शुरुआत इतनी जबरदस्त तरीके से करा, जिसने KGF बाहुबली जैसी दिग्गज फिल्म के हिंदी कलेक्शन में भी दूसरे हफ्ते के 2 दिन के कलेक्शन रिकॉर्ड को भी खदेड़ा था। इसी के साथ दोस्तों 10वें दिन में एक बार फिर से उछाल मारकर ऐतिहासिक कमाई करते हुए लगभग 42 करोड़ का सफल आंकड़ा अपने नाम करा, और इसी के साथ पहले 10 दिन का कलेक्शन नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस से 378 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर चुका था। इसी के साथ पूरी दुनिया से यह आंकड़ा 490 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर चुका था। लेकिन बात करें कल्याणी डे 11 में कैसी कमाई रही, अमेजिंग कमाई रही। जी हां दोस्तों, 15 करोड़ 30 लाख का होल्ड करा था, और पहले 11 दिन में नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 390 करोड़ को टच कर लिया था, और पूरी दुनिया से 500 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर लिया था पहले 11 दिन में। इसी के साथ दोस्तों गदर 2 बॉलीवुड हिस्ट्री की नंबर वन फिल्म बन चुकी है, जिसने बहुत ही कम समय में 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ और 400 करोड़ के क्लब में एंट्री मारी है। लेकिन वही बात करें आज यानी डे 12 के बॉक्स ऑफिस सिनेरियो की, तो यस आज भी मॉर्निंग से ही अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी रेट के साथ ओपन होते हुए आफ्टरनून और इवनिंग में जबरदस्त सोच अपने हिस्से में रखते हुए एडवांस से ही 3 करोड़ तक का आंकड़ा ले जाती दिख रही है मूवी। जबरदस्त ट्रेंड करती दिख रही है मूवी, जबरदस्त एक बार फिर से प्यार मिल रहा है मूवी को, और मूवी आज 12 करोड़ का
आंकड़ा अपने नाम कर लेगी एंड ऑफ द डे तक नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से, और पहले 12 दिन का नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 402 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर लेगा। इसी के साथ पूरी दुनिया से ये फिल्म 510 करोड़ के आंकड़े को अपने नाम कर लेगी और बॉलीवुड सिनेमा की नंबर वन फिल्म बनेगी कम समय में ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली, और सनी पाजी के करियर के बिगेस्ट ग्रॉसर मूवी बनकर उभरेगी जिसने 500 करोड़ का आंकड़ा अपने नाम किया है, और इस साल की जायंट पठान को भी अपने 12 दिन के कलेक्शन रिकॉर्ड से खदेड़ रही है। इसी के साथ बाहुबली के हिंदी कलेक्शन रिकॉर्ड को भी खदेड़ चुकी है ये फिल्म, साथ में टाइगर जिंदा है मूवी को तो ये खदेड़ चुकी ही है। दोस्तों मूवी अमेजिंगली ग्रो कर रही है नो डाउट, और जनता का प्यार सनी देओल के लिए अनकंडीशनल दिल से निकल रहा है। तो मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी, आप लोगों ने भी गदर 2 को देख लिया है तो आपको मूवी कैसी लगी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करके जाना, और गदर 2 600 करोड़ का आंकड़ा जल्दी टच कर पाएगी या नहीं फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।